अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान और मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर नातन में। हम लोग परसों चले थे, 500 फैमिलीज़ का राशन हमने वहाँ से कैरी किया था कराची से। ऑल द वे हम रेंजर्स की सिक्योरिटी में हमने इस सफ़र को तय किया और एक तवील सफ़र था और हम दादू पहुँचे। फिर वहाँ हमने उसका रेस्ट किया एंड देन फिर आज हम खैरपुर नातन के, आप ये देख सकते हैं जो इलाके हमारी जर्नी का हम आपको बताते चलेंगे। इसका मुख्तसर सा जायज़ा जो मैं अंदर राशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया और मैंने जो जायज़ा लिया वहाँ का कि बेबसी का आलम है यहाँ पर बेबसी का आलम है। लोग डूब गए हैं, पता नहीं वो इस साने से कितने सालों में बाहर आएंगे, लेकिन जो हजरात हैं, जो मुखैर हजरात हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि वो प्लीज़ अपना किरदार अदा करें। ये सालों ये रिलीफ का काम चलेगा, ये साल का नहीं है, ये सालों वाला मामला है। मैंने अंदर लोगों की बेबसी देखी है, उनका रोना देखा है, उनके हालात देखे हैं, वो जिन हालात में अंदर मौजूद हैं इस वक्त। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए सारे किरदार के अंदर, हमें और भी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जो जिन तक हमारे मैसेजेस, जिन तक इन लोगों के पैगाम नहीं पहुँच रहे। ये तो हमने अपनी आँखों से हाल देखा और हम अपने हाथों से वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी आज हम करके आएँ, तो हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। जो रेस्क्यू करके आर्मी उनको बाहर लेकर आ रही है, वो भी बड़े परेशान हाल हैं कि उनको भी ज़ाहिर बात है राशन की एक अशद ज़रूरत है। लोगों के माल मवेशी डूब गए हैं, लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, लोगों के जो रोज़गार थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें आगे बढ़ना है, इनका साथ देना है और इंशाल्लाह हम फिर इनकी रिलीफ के लिए दोबारा हाज़िर होंगे।